हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? और आज काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से आपके साथ एक व्लॉग शेयर करूंगी, और ये एक फैमिली व्लॉग है। और यहाँ हम लोग आज जा रहे थे मेरी खाला के घर पर, मतलब मेरी मम्मी की यंगर सिस्टर के घर पर, और उनके घर पर एक प्रोग्राम था। मतलब ये 11वीं शरीफ का व्लॉग है, और उनके घर पर ख़त्मे कादरिया का प्रोग्राम था। तो हम गए थे, और यहाँ पर उनका जो भी काम था वो ज़ोरों शोरों से चल रहा था, और यहाँ पर तोशा शरीफ बनाने की तैयारी भी शुरू कर ली थी। और साथ में उन्होंने बनाया था चिकन कोरमा और चिकन बिरयानी। तो यहाँ पर जो मेरी यंगर एल्डर सिस्टर हैं, वो यहाँ पर तोशा शरीफ बना रही थी, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा अच्छे से बनाना आता है। तो यहाँ पर दोनों मेरी सिस्टर, यंगर सिस्टर और एल्डर सिस्टर मिलकर तोशा शरीफ बना रही थी। तोशा शरीफ होता है जो हम बड़े पीर साहब के निस्बत में बनाते हैं, मतलब जो बगदाद में आराम फरमाए उनकी निस्बत में बनाते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। और 11वीं शरीफ पर बनाते हैं, और साथ में हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्मे कादरिया भी पढ़ा था, और यह बनाया था चिकन बिरयानी। और जब तक तोशा शरीफ बन रहा था तो सब लोग इधर उधर खेल रहे थे, और यह है मेरी नीस, और सब लोग अपने अपने कामों में खेल रहे थे, बच्चे सारे खेल रहे थे। और ये मेरी खाला का घर है, और ये बाहर आउटर उनके एरिया है, और ये इनकी बालकनी है। उन्होंने काफ़ी अच्छे फ्लावर्स वगैरह पॉट्स प्लांट्स हैं, उन लोगों ने अच्छे से डेकोरेट मेंटेन कर रखी है। और ये मेरी खाला का घर न्यू बना है, मतलब अभी ही बना है, तो शिफ्ट हुए हुए उनको कुछ ही मंथ्स हुए हैं, और इसलिए वो ये तोशा शरीफ भी बनवा रही थी, क्योंकि उन्होंने ये मन्नत करी थी जब उनका घर बन जाएगा तो वो करेंगे। और यहाँ पर हम सब लोग मिलकर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जो तोशा शरीफ में डलते हैं, वो यहाँ पर हम लोग उसकी चॉपिंग और कटिंग कर रहे थे बैठकर। और एक तोशा शरीफ बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है, और जो प्रोसीजर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके से टर्म होता है, कि सूजी को भूनना है, और इन लोग इनकी क्वांटिटी भी होती है कि कितनी क्वांटिटी में जाना है। अगर आपको ये डिटेल व्लॉग चाहिए, मतलब तोशा शरीफ के ऊपर, तो मुझे आप बताएं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और तो वो सब लोग तैयारी कर रहे थे, और उधर सूजी जो रवा होता है सेमलीना, उसको भूनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो सब लोग वो भून रहे थे। और यहाँ पर हम लोग पढ़ने की तैयारी भी कर रहे थे, क्योंकि हमें ख़त्मे कादरिया भी पढ़ना था साथ में, और सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी खाला से मिली थी, मतलब पूरा 1 ईयर हो गया, और तभी मैं अपने खाले से मिली थी। यहाँ पर जो शक्कर होती है वो उसको का भी पानी हमने तैयार कर दिया था, जो हलवे में डलेगा। और यहाँ पर अब मेरी सिस्टर पूरा सूजी को अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर पूरा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, और जो कोकोनट होता है ड्राई कोकोनट, उसको भी अच्छे से कद्दूकस कर लिया था, ग्रेट कर लिया था, और उसको भी ऐड कर देंगे। तो और ये जो तोशा शरीफ बनता है, ये बहुत ज़्यादा पाकिजगी के साथ करता है, उसका एहतमाम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पाक रहें, घर को पाक रहें, और अच्छे दिल से मनाएं। और इस तोशा शरीफ की एक बरकत और है, आप जब भी कोई भी दुआ मांगेंगे तो ज़रूर कबूल होती है, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा बरकत है। और यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर और जो शुगर होते हैं उसका सिरप बना लिया है, और उसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे तो इतना इसको पूरा बनाने का प्रोसेस पता है, लेकिन कभी मैंने बनाया नहीं है, बट मेरी सिस्टर मम्मा वगैरह को सबको पता है, तो वो लोग ही बनाते हैं। तो इधर मेरी दोनों सिस्टर बना रही हैं, और मैं शूट कर रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हाफ प्रोसेस हो गया है। और साथ में यहाँ पर लौंग और दालचीनी का थोड़ा सा वाटर भी जाता है अर्क निकाल कर, तो वो ऐड करा, और साथ में यहाँ पे ग्रीन कार्डमम हम लोगों ने पाउडर बना लिया था, और उसके बाद ऐड कर दिया था। और घी में ही हम लोगों ने सूजी जो होती है वो पूरी भूननी होती है, तो घी पहले ही ऐड कर दिया था, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने दूध भी ऐड कर दिया था, क्योंकि एक गिलास आप दूध भी ऐड करें तो अच्छा रहता है। और तोशा शरीफ बनाने के लिए उनकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, तो अभी हम लोग एक ही हिस्सा बना रहे थे, जो कि 1.5 किलो सूजी का होता है, 1.5 kg सूजी और उतने घी, और फिर जो उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका भी एक रेशियो होता है, तो वो रेशियो के साथ ये बनता है। और मेरी सिस्टर के घर पे तो एवरी ईयर बनता है,
और मम्मा के घर पे भी 2-3 times बन गया है, और ये मेरी खाला के घर पे फर्स्ट टाइम बन रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बना था, काफ़ी टेस्टी बना था। और ये पूरा कुक करने के बाद हम लोगों ने ख़त्मे कादरिया यहाँ बैठ कर पढ़ा, मतलब सब लोगों ने, मैं, मेरी खाला, मेरी मम्मी, सिस्टर लोग, मेरी भाभी, सब लोगों ने यहाँ बैठ कर पढ़ा, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, दिल को सुकून मिल रहा था। फिर हम लोगों ने पूरी अपना जो भी पढ़ने का था वो पढ़ा, क्योंकि ख़त्मे कादरिया जो होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है पढ़ने के लिए, और बेसिकली अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह को याद करते हैं और अच्छा लगता है। और सारे बच्चे अपने अपने मर्जी से खेल रहे थे यहाँ पर। मेरे कज़न, मतलब जो मेरे नेफ्यू हैं, कज़न नहीं, नेफ्यू हैं, वो भी अच्छे से खेल रहे थे, नात पढ़ रहे थे, मज़े कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने अपना दिन पूरा इंजॉय करा था। और फाइनली फिर आ गई थी नियाज़ का टाइम, तो नियाज़ में मैंने बताया था आपको, तोशा शरीफ था, चिकन कोरमा था, चिकन बिरयानी थी, और ये खीर थी जो मैंने बनाई थी, और वो सब हम लोगों ने रख दिए थे, फ्रूट्स रख दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने फातिहा करी और सलात व सलाम पेश किया, और सब लोगों ने मिलकर दुआ करी। होप जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी तमाम जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाए और हर परेशानी से उनकी हिफाज़त फरमाए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। तस्वीर सीने में मौजूद है। नारा लगाओ जाफर में, नारे तकबीर। और जो आपने प्रीवियस वीडियो क्लिप देखी, वो मेरा नेफ्यू है, उसको नात वगैरह पढ़ना काफ़ी पसंद है, तो वो थोड़ा हमारे साथ पढ़ रहा था दुरूद शरीफ वगैरह। उसके बाद सारे बच्चे बहुत थक गए थे, फिर सब लोग आराम से बैठ गए थे, और टीवी पर भी वो लोग नात ही देख रहे थे। तो ये देखिए, सब लोग बैठ के नात देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को, हमारे घर के बच्चे जितने भी हैं, छोटे छोटे किड्स, उन लोगों को नात देखना बहुत पसंद है। तो सब लोगों ने नात देखी, उसके बाद हम सब लोगों ने मिलकर डिनर किया, और हमारा दिन बहुत अच्छा था। और चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सपोर्ट करिए, मिलते एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।